एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। देखिए, आपका सीटेट और एसटेट, जैसा कि सभी को पता है, दिसंबर में आपका एसटेट होगा, उसके बाद आपका सीटेट का एग्जाम होगा। दोनों ही एग्जाम आने वाले हैं 2022 में। अगर आप दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक हाउस वाइफ हो, वर्किंग वाइफ हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए आज का ये वीडियो इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन करके इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं 2022 में। आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, या फिर कोई भी अटेम्प्ट हो, आप इस बार एसटेट का एग्जाम भी निकालोगे और सीटेट का एग्जाम भी निकालोगे। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं, जो चीजें मैं बताने वाली हूँ, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आप इस दोनों ही एग्जाम्स को जरूर क्वालिफाई करोगे। देखो, एसटेट का एग्जाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी हरियाणा से बिलोंग करता है, देखो, उनको जो है इस बार एसटेट का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। जो वैकेंसीज आई थी, अगर आपको उनमें भी एलिजिबल होना है, उनमें आपको मौका मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10 साल में वैकेंसीज आई हैं, पता नहीं कब वैकेंसीज आए, तो उनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका एसटेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। जो स्टूडेंट इस बार एसटेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उनको भी मौका मिलने के पूरे चांसेज हैं। तो एसटेट का एग्जाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। साथ में जो स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि एसटेट पे डिपेंड नहीं रह सकते भाई, एक एक नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, तो सीटेट का एग्जाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी अदर स्टेट में अप्लाई करोगे तो सीटेट आपके पास होना चाहिए, तो सीटेट का एग्जाम भी देना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, कौन सी आपको बुक फॉलो करनी है, आप एक हाउस वाइफ हैं तो आप कितने घंटे निकाल के आप दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकती हैं। दोनों ही सब्जेक्ट, मतलब दोनों ही जो एग्जाम है उनमें जो सिलेबस है आपका, क्या क्या चीजें जो है कॉमन रहने वाली है, देखिए किस तरह से आप एसटेट के साथ साथ, है ना, एसटेट के साथ साथ आप सीटेट की भी लगभग लगभग तैयारी कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं एसटेट के एग्जाम में जो सीटेट के एग्जाम में भी ऐसी ही पूछी जाती हैं। सिलेबस बहुत हद तक कॉमन रहता है, ये नहीं है कि 100% ही सिलेबस मिलता है, नहीं, एसटेट का सिलेबस अलग होता है, सीटेट का अलग होता है, लेकिन उसमें से अगर आप एसटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं उसके साथ आप सीटेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो आपको टाइम बचेगा एसटेट के बाद, लगभग एक महीना आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है दिसंबर का पूरा महीना मिलेगा, क्योंकि एग्जाम आपका दिसंबर के लास्ट सीटेट का और जनवरी के स्टार्टिंग में ही हो पाएगा, तो लगभग आपको 20 से 25-30 दिन आपको मिल जाएंगे तैयारी के लिए। तो जो चीज़ें आप बच गई हैं उनको आप सीटेट की अपना अच्छे से प्रिपरेशन करना और सीटेट का एग्जाम देना। तो अभी आपके पास एसटेट पे फोकस करना है, और एसटेट में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनमें से ही आप किस तरह से सीटेट की भी तैयारी कर सकते हो, तो कॉमन चीज़ें भी बताने वाली हूँ। वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो कंप्लीट वॉच कीजिए, तभी आपको हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराती हूँ, और देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, टिप्स होती हैं, वो भी आप सभी से शेयर करती हूँ। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होगा, कोई भी आप एग्जाम देने वाले हों उस एग्जाम का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना है, ठीक है, उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितनी चीज़ें आपको आती हैं, कितनी चीज़ें आपको समझनी है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में। जैसे कि आप एसटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एसटेट के एग्ज़ाम में जैसे सिलेबस होता है, ठीक है, उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, और उस सब्जेक्ट में भी कौन से ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं, और उनसे कितने नंबर आपके बन पा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, सिलेबस पता होना चाहिए। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सीटेट देने वाले हो, एसटेट देने वाले हो, कोई भी एग्जाम देने हो, अगर आपको सिलेबस पता है उसके हिसाब से, उसके पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखिए, एसटेट के एग्जाम में साइकोलॉजी सीडीपी जो है 30 मार्क्स की आती है, सेम आपके सीटेट में आती है, ठीक है, 30 मार्क्स की आती है। वहां पे क्या होता है, चीजें थोड़ी जो होती हैं घुमा के पूछी जाती हैं, ठीक है, घुमा के पूछी जाती हैं, और जो सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं, जैसे जीन पियाजे हो गया, किसने सिद्धांत दिए, जीन पियाजे का क्या सिद्धांत रहा था, इस तरह से चीजें पूछी जाती हैं डायरेक्ट,
ठीक है, तो वहां पे आपको सिद्धांत पता होना चाहिए, कंसेप्ट वाइज फुल डिटेल में आपसे पूछा जाता है। लेवल थोड़ा टफ होता है स्टेट का मुकाबले में सीटेट के। बाकी सीटेट में अंडरस्टैंडिंग होता है, लंबे क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप ध्यान से चीजों को पढ़ोगे तो इजिली आंसर निकाल लोगे। अगर आप स्टेट के हिसाब से साइकोलॉजी तैयार कर रहे हो तो यकीन मानिए आप सीटेट वैसे ही पास कर लोगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप डिटेल में चीजें करोगे, डिटेल में चैप्टर करोगे। जीन प्याजी हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, कोहल वर्ग हो गया, जब आप डिटेल में करोगे तो सीटेट में आप इजिली कर लोगे क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। आप एसटेट में तैयारी कर रहे हो 30 मार्क्स की, वहां पे तो सीडीपी की भी तैयारी हो जाएगी सीटेट के लिए भी, तो वो पोर्शन आपका क्लियर हुआ, ठीक है। कितना भी एग्जामिनर घुमा ले चीजों को आप इजिली कवर कर लोगे। इसी तरह से देखिए एसटेट के एग्जाम में 15 मार्क्स की जो हिंदी आती है, जब आप उसकी तैयारी करते हैं, हिंदी की जब तैयारी करते हैं, आप क्या है सीटेट के एग्जाम में भी 5 से 6 नंबर की ग्रामर आने लगी है, तो एसटेट में ग्रामर आएगी तो वहां जो है आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी, 5 से 6 नंबर की आपको जो है तैयारी हो जाएगी। 5 से 6 नंबर में आपकी ग्रामर हो गई सीटेट में, बाकी आपकी 15 नंबर की पैडागोजी पूछी जाती है और 5 से 6 नंबर आपका जो पैराग्राफ दिया जाता है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम इंग्लिश में होगा, वहां पे भी आपको हेल्प मिलेगी, वहां पे भी जो है एंटोनियम सिनोनियम्स पूछ लिए जाते हैं पैराग्राफ में ही सीटेट के एग्जाम में, तो वहां पे भी हेल्प मिलेगी। सेम आपकी एसटेट में 15 नंबर की ग्रामर आती है। तो यकीन मानिए जब आप एस्टेट की तैयारी करोगे, ठीक है, एस्टेट की तैयारी क्या है आपको बेस्ट तरीके से करनी है, ये भी बताऊंगी कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो देखो जब एस्टेट की आप तैयारी करोगे तो लगभग 50-60% जो है आपकी सीटेट की तैयारी हो जाएगी, और जो आपको टाइम मिले उसमें आपको उसके बाद एस्टेट के बाद उसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो एस्टेट में ये हो गया। अब आप देखो आपको पढ़ना कहाँ से है। सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ हाउसवाइफ क्या है, अपना 3 से 4 घंटे अभी से लग जाए, 3 से 4 घंटे दिन में जरूर निकाले अपनी पढ़ाई के लिए और कंटिन्यू बनाए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ ली 2 दिन बाद पढ़ ली, ठीक है, ऐसा नहीं है। 2 घंटे आपको मिले, 3 घंटे आपको मिले, कंटिन्यूसली दीजिए अपनी चीजों को, थोड़ा थोड़ा करके ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यूट्यूब की मदद लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगी मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़े, किसी भी यूट्यूब चैनल से देखो, जैसे कि हो गया आपका सचिन सर, उनका चैनल भी अच्छा है, सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कराते हैं, ठीक है। और एस्टेट की तैयारी अचीवर एकेडमी से भी कर सकते हैं। बाकी मैं एस्टेट की तैयारी करने कराने वाली हूँ, मेरा न्यू चैनल है, इस तरीके से तैयारी कराने वाली हूँ, यकीन मानिए इस तरीके से टॉपिक कराने वाली हूँ, एजेटिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कराऊंगी, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं कराऊंगी, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है जिनसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो टॉपिक मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप टॉपिक क्लियर करते हैं तो एस्टेट में भी हेल्प रहेगी, सीटेट में भी हेल्प रहेगी, दोनों के हिसाब से कराऊंगी। अगर कोई भी टीचिंग का एग्जाम दे लीजिए, साइड सीडीपी साइकोलॉजी सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, साथ ही साथ हिंदी भी कराऊंगी, इंग्लिश भी कराऊंगी, ठीक है, मैथ की भी प्रिपरेशन कराऊंगी, जो भी कॉमन 90 मार्क्स का जो होता है आपका पोर्शन एस्टेट में भी और सीटेट में भी। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, मेरे चैनल से पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आपको 100+ स्कोर दिलाने की मेरी गारंटी है। सारे ही चीजें, सारे ही सब्जेक्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे अपने, मैं इसी यूट्यूब चैनल से स्टडी मटेरियल से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। साथ में मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें, देखें जरूर चैनल को, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आप सचिन सर की वीडियोस दे सकते हैं, सीटेट के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिमांशी मैम भी अच्छा कराती हैं, उसी के साथ एस्टेट की तैयारी के लिए आप अचीवर एकेडमी की हेल्प ले सकते हैं। बुक आपको नहीं खरीदनी है, देखिए अगर एस्टेट के एग्जाम में आप बुक खरीदना है तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लीजिए, उसके आप प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और सीटेट के लिए तो आपको ये भी नहीं लेनी है, सीटेट का क्या है, आप यूट्यूब चैनल को अगर फोकस करते हैं, अगर आपको पता है कि क्या पैटर्न रहता है, सिलेबस कहता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो आप इजीली कर लोगे और कंटिन्यूसली लग लीजिए, 1 से 1.5 महीना जो है सफिशियंट होता है दोनों ही एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं आज आपको जो शाम को वीडियोस डालूंगी उस वीडियो में मैं एस्टेट में, ठीक है, एक वीडियो मैं सीटेट पे भी बनाऊंगी, बाकी आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी एस्टेट पे, एस्टेट में सभी सब्जेक्ट की जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, हरियाणा हो गई और
जीडीपी साइकोलॉजी हो गई, ठीक है, ये एस्टेट का सिलेबस है। और बाकी इसमें जो 60 मार्क्स का आपका पूछा जाता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उस पर मैं नहीं बनाऊंगी। मेरा ये रहेगा जो 90 मार्क्स का पूछा जाता है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और जहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे इंग्लिश में हो जाती हैं, हिंदी में कुछ बेसिक जो टॉपिक होते हैं वहीं से क्वेश्चन हर साल एग्जामिनर उठाता है। सीडीपी साइकोलॉजी में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हीं से एग्जाम जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप 10 से 15 टॉपिक वो भी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 25 प्लस स्कोर करोगे आप अपना साइकोलॉजी में। उसी के साथ हिंदी में बताऊंगी, 15 नंबर की हिंदी आती है स्टेट में, इंग्लिश आती है। इसी तरह से एक सीटेट की वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, वो बताऊंगी। और टॉपिक बताने के बाद उसके बाद मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी, पूरा जो सिलेबस आपका रहेगा जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे सभी को आपकी वीडियोज प्रोवाइड की जाएंगी इसी YouTube चैनल के माध्यम से। तो मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन कराते हैं, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करोगे, ठीक है। 100 प्लस की गारंटी एस्टेट में लेती हूँ और 120 की गारंटी आपकी सीटेट एग्जाम में लेती हूँ, दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले मैं एस्टेट पे ज़्यादा फोकस करूंगी, साथ ही साथ में 50-60% आपकी सीटेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। और उसके बाद देखिए जो हमें टाइम मिलता है, जो चीज़ें हमारी रह जाती हैं सीटेट के एग्जाम में, उसके बाद हम उनको कवर करेंगे। तो अच्छी तैयारी होगी और लगे रहिए, 1 से 1.5 महीना आपके पास है दोनों ही एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं पूरी हेल्प करने वाली हूँ, पूरा कोर्स कराने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री रहेगा यूट्यूब पर ही। तो वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, चल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।